और गुड मॉर्निंग जितने लोग इस वेबिनार में हैं, सबको खुश आमदेद। मैं दुबई में हूं और ये जो आज का जो वेबिनार है ये डिक्सन कल्चर के बारे में है। पहली बात तो ये है कि ये वेबिनार किसके लिए है। ये वो लोग जो मेंबर्स हैं और हमारे लीडर्स हैं, ये नए लोगों के लिए नहीं है, लेकिन अगर नए लोग बैठे हैं वो सुन सकते हैं और जब ज्वाइन करेंगे डीएक्सएन को तो उनको पता लगेगा कि ये डीएक्सएन कल्चर क्या है और ये डीएक्सएन कल्चर में आपने क्या चीजें सीखनी है। ये मैं बताता चलूं कि इंशाल्लाह ताला दिसंबर ये महीना है और हर महीना जो है ना मैंने एक वेबिनार देना है और ये मलेशिया से जो है तैयार होकर ये आया है। ये पावर पॉइंट, ये सारे के सारे जो ट्रेनिंग मटेरियल है ये ट्रांसलेट भी हो रहा है उर्दू में। तो मेरा जो दूसरा वेबिनार होगा वो फॉर्म होगा विद आईओसी, तीसरा एनडीटी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग, चौथा प्रोडक्ट नॉलेज और पांचवा गैनोथेरेपी। ये हमने ये पांच के पांच जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं इसको हमने करना है स्टैंडर्डाइज्ड पूरे पाकिस्तान में, और जो पाकिस्तान के अलावा यूएई से भी बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और यूरोप से भी कुछ लोग सुन रहे हैं, इंडिया से कुछ लोग सुन रहे हैं, जो जहां हैं आपने ये वन वर्ल्ड वन मार्केट का तो आपने नाम सुना है, तो मैं चाहूंगा कि ये जो है ना वन वर्ल्ड वन ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट, जो बेसिक ट्रेनिंग है जो एबीसी है हमारा डीएक्सएन का, वो हमें स्टैंडर्डाइज करना होगा। कराची में कोई बैठा हुआ है यहाँ पर आदम, या पिशावर में बशीर साहब हैं, या शायद आपके पिंडी में हैं, या तनोली आपके अहमदाबाद में बैठे हुए, सारे अगर डीएक्सएन कल्चर की बात कर रहे हैं, यही जो है ना ट्रेनिंग हमें दिखाना होगा और बताना होगा और ट्रेन करना होगा आपके लोगों को। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो मैं समझता हूँ कि ये हमें जो है ना ये स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग जो डीएक्सएन की है वो हमें याद करना है, और वही एक नया मेंबर से लेकर इवन जो क्राउन डायमंड है या क्राउन एम्बेसडर है वो वही बात करेगा। अब मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ कि ये हमारा जो कल्चर है ये इसकी बुनियादी कुछ असूल हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनका जो फिलॉसफी है डॉक्टर लिम का वो क्या है, और ये आपने अपनाना होगा। तो पहली बात तो ये है कि डीएक्सएन जो कंपनी फॉर्म हुई डॉक्टर लिम सियोजियन ने किया, वो उनकी जो पैशन थी, उनकी जो अंदर से जो एक तरह का जो करना है उन्होंने कोई चीज, जो आप कह सकते इश्क था उनके साथ, कि 10 साल रिसर्च उन्होंने किया गैनोडर्मा पे, गैनोथेरेपी पे, और फिर उन्होंने जो है ना इस कंपनी को फॉर्म किया। तो ये जो फिलॉसफी अभी जो मैं आगे अभी आने वाली कुछ 40-50 मिनट में मैंने जो आपको शेयर करना है, ये आप लोगों ने अपनाना है, और ये रीढ़ की हड्डी के जैसे ये हमारा फाउंडेशन है। देखिए, मैंने बॉम्ब नहीं स्टार्ट किया, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं किया, कल्चर स्टार्ट किया। कल्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका डिसिप्लिन आता है, आपका आपकी पंचुअलिटी आती है, आपकी प्रोफेशनलिज्म आती है, आपकी यूनिटी आती है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अब ये जो आपको स्लाइड है कि अगर आपने इस बिजनेस को लेकर चलना है और उसकी जो कामयाबी की जो जो चाबी है वो आपको एक मिनी डीएक्सएन बनना है। क्या मतलब? डीएक्सएन तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, बिलियन डॉलर की कंपनी है, इतने सारे ममालिक में है, 25 साल के करीब हो गया है इनको, लेकिन आप एक फॉर एग्जांपल एक नया मेंबर आज बनते हैं तो आप मिनी डीएक्सएन कैसे बनते हैं? वो आपके सोच से, आपको जो है ना ये सोचना है ये डीएक्सएन कंपनी जो है ना ये मेरी है। डीएक्सएन
मैं भी हूं और डिएक्शन आप भी हैं, डिएक्शन हम लोग भी हैं। तो ये जब तक हम अपनाएंगे नहीं कि ये हमारी कंपनी है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। डॉक्टर लिन तो ओनर हैं, सीईओ हैं, लेकिन ये आपने जो है ना अपने जहन में बैठा लेना है कि ये डिएक्शन बिजनेस ये हमारा है और हम सबों का है। ये ना समझे कि ये जो है ना मलेशिया में जो कुछ लोग बैठे हैं वो है, या डायरेक्टर है, या कंट्री मैनेजर है, या लीडर्स हैं, ये हर एक का जो है ना ये डिएक्शन कंपनी है। जब आप ये सोच ले ये मेरी कंपनी है, तो वो खुद ब खुद वो पैशन या वो खुद ब खुद वो लगाव, वो सारा कुछ खुद ब खुद आएगा। तो ये कामयाबी का जो राज है कि आपने एक मिनी डिएक्शन बनना है। डॉक्टर लिम का जो विजन है ये देखें, ऑलमोस्ट 25 साल से यही विजन है और ये आगे भी इंशाल्लाह ताला 25 क्या 100 साल तक चलेगा और भी आगे चलेगा। हेल्थ सेहत, वेल्थ पैसा और खुशी, इतनी ये तीनों जो जो अल्फाज हैं ये इतने पावरफुल हैं। हम सेहत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, कब जब हम बीमार होते हैं। बदकिस्मती से सोच हमारा जो है ना कि हम सेहतमंद होते हैं ना, हम सेहत के बारे में सोचते नहीं है। अब ये सोच जो है ना आप लोगों ने जो डीएक्सएन के जो मेंबरान है, ये आपने इस सोच को तब्दील करनी है। चाइना ऐसा मुल्क है जहां पर लोग डॉक्टर के पास जाते हैं जब वो सेहतमंद होते हैं, इमेजिन करें, और डॉक्टर को वो $100 से लेकर $1,000 देते हैं ताकि बीमारी उनको लगे ना, बीमारी से दूर रहे। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सेहत के बाद जो मेंबर जो बनते हैं ज्यादातर जो ज्वाइन करते हैं वो पैसा कमाने के लिए। जो आमदनी जो है ना, ये वेल्थ का डेफिनेशन जरा गौर से समझे। वेल्थ किसको कहते हैं? वेल्थ उसको कहते हैं जब आपने कमाया, आपने लगाया, आपने जो सरमाया जो है कहीं पर इन्वेस्ट किया और वहां से आपको पैसा मिल रहा है। छोटी सी मिसाल मैं आपको दूं, एक आदमी जो गवर्नमेंट में नौकरी करता है, फौज में हो या किसी भी इदारे में हो, वो 40-45 साल नौकरी करता है, उसके बाद उसको पेंशन मिलता है। तो ये 40 साल के बाद जो अब जो पैसा मिल रहा है ना, वो रेसिडुअल इनकम वो मिलता रहेगा जिंदगी भर। तो वेल्थ डीएक्शन से आपको मिल सकता है, लेकिन एक साल नहीं, दो साल नहीं, कम से कम अगर सर नीचे करके 5-6 साल आप लगाए तो इंशाल्लाह ताला ये आपका वेल्थ जो है ये आना शुरू होगा। और 10 साल के बाद लाजमी जितने भी लोग मैं देखता हूं, जहां वो पाकिस्तान में हो या मलेशिया में हो या यूरोप में हो, कहीं हो, उनको वेल्थ आ रहा है। अब जो आखिरी जो चीज है ना, खुशी। हम अगर हमारे पास सेहत है ना, तो ऑटोमेटिकली जो है ना आप बहुत कुछ कर सकते हैं, खुशियां आपके पास आ सकती है। सेहत के साथ पैसा होना जरूरी है, इतना पैसा हो कि किसी का हम मोहताज ना हो। तो ये दोनों जो चीज है ये बहुत ही जो है ना जुड़ी हुई चीजें हैं। इतना पैसा हो कि आपके पास वो पैसा हर महीना आता रहे, इसको कहते हैं वेल्थ। इनकम और वेल्थ में ये फर्क है। आप नौकरी करते हैं उसको कहते हैं इनकम, आज नौकरी खत्म हो गई, आपका इनकम खत्म हो गया, लेकिन वेल्थ जो है वो आता रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये विजन स्टेटमेंट जो है हमारा, ये हमारा मिशन स्टेटमेंट भी है। ये दोनों ही है कि हमने प्रमोट करना है अपने अंदर और दूसरे लोगों तक। अब देखना है कि जो सेहत है, क्या हम उसके जो प्रोडक्ट है क्या वो रिलायबल है, क्या वो अफोर्डेबल है, क्या वो पायदार है। अल्हम्दुलिल्लाह 24-25 साल में डीएक्सएन ने प्रूफ कर दिया है कि 6.4 मिलियन, 6.5 मिलियन लोग रजिस्टर्ड मेंबर हैं। ये इस चीज की जो है ना सबूत देती है कि ये प्रोडक्ट और हेल्थ जो है हमारा
जो डीएक्सटेंड से अल्लाह ताला दे रहा है वो रिलायबल भी है, अफोर्डेबल भी है और वो लास्टिंग भी है। और वेल्थ का जहां तक ताल्लुक है, ये आप जो देख रहे हैं घर है और गाड़ी है और पीछे से पैसा उड़ता हुआ आ रहा है, ये तय आसानी से उड़ता हुआ नहीं आता है, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद ही फिर जो है ना ये वेल्थ आता है। और वो वेल्थ जो है वो लोगों की जो ख्वाब है या वो जो फ्रीडम है, जो आजादी है, वो जो है ये वेल्थ देता है, जो आप करना चाहते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए। और ये जो वेल्थ है ना, ये लास्टिंग वेल्थ होना चाहिए, ये नहीं हो कि आज मिला और कल ना मिला। जितने भी जो लोग हैं 10 साल से ऊपर हैं इसमें, नौकरी देखिए हम करते हैं 40 साल 45 साल नौकरी करते हैं, लेकिन जैसे ही आप रिटायर होते हैं उसके बाद एक छोटी सी इनकम आती है जिसको हम पेंशन कहते हैं, वो बढ़ता नहीं और महंगाई बढ़ती रहती है। तो आप खुशी की तरफ है कि आप अपनी खुशी तो जरूरी है आप जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप जब दूसरों तक ये खुशी का पैगाम जब बांटते हैं तो उसमें सही खुशी का जो है ना मजा आता है, जो लुत्फ आता है, जो यू रियली एंजॉय, जिसको कहते हैं कि गिविंग जो है ना, जो देकर आदमी जो खुशी खुशी पाता है, जो खुश होता है, वो लेकर नहीं होता। अब ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2000 में ये जो सप्लीमेंट और जड़ी बूटी हर्बल ये सारी जो नेचुरल प्रोडक्ट की जो इंडस्ट्री थी ना, वो 80 बिलियन की थी। और 2008 में जाके जो फिगर है ये 200 बिलियन हो गई। और आने वाले जो साल में आप इमेजिन करें, ये बिलियन नहीं ये ट्रिलियन की बातें कर रहे हैं। अब जो लोग इस इंडस्ट्री के साथ, डायरेक्ट सेलिंग हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो भी इसके हिस्सेदार होंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। डीएक्सएन की जो फिलॉसफी है, जो फलसफा है इनका, जो मलेशियन लैंग्वेज में इका मिंदा इका नागा इका पासा कहते हैं, लेकिन जो इंग्लिश का वर्ड है वो सिंगल माइंडेडनेस। अब मैं आपको और भी एक्सप्लेन करूंगा। और वन ड्रैगन वन वर्ल्ड वन मार्केट, बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये। अगर ये फिलॉसफी को आज सीख लें हम और अपने अंदर इसको जो है ना बिल्कुल डाल लें कि ये मैंने, ये मेरी कंपनी है और मैं इस फिलॉसफी के तहत मैंने आगे चलना है। सिंगल माइंडेडनेस क्या है? ये जो जानवर है ना, जब तेजी से आता है ना, राइनोसरस कहते हैं इसको, तो ये बिल्कुल ना दाएं देखता है ना बाएं देखता है, सीधा आता है वो और अपने टारगेट को मारता है। ये जो सिंगल माइंडेडनेस है कि एकदम फोकस करके जो आपने आगे बढ़ना है ना, ना आपने दाएं देखना है ना बाएं देखना है, 100% फोकस करके ये काम करना है, जिसको हम कहते हैं लेजर फोकस। एटलीस्ट कम से कम 5 साल जो आप 40 साल में हासिल करेंगे, वो 5 साल में आप जो है ना बड़े आराम से हासिल कर सकते हैं, वो आमदनी जो आपको रेगुलर आए। अब वो आमदनी की मैं जो बात कर रहा हूं, मैं करोड़ों की नहीं बात कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं 1-1.5 लाख रुपए अगर कोई कमाना चाहता है डीएक्सएन से, तो उसको डीएक्सएन के साथ जुड़कर रहना पड़ेगा 5 से लेकर 10 साल, फिर ही उसको नजर आएगा। और हमेशा शुक्र करें ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ताला ने ये डीएक्सएन जो नेमत है, सेहत के लिहाज से और पैसे के लिहाज से, दोनों के लिहाज से। वन ड्रैगन कंपनी, जो लोग नए हैं,
ड्रैगन चाइनीज में जो है ना कुवत को कहते हैं, उसका जो सिंबल है ड्रैगन कुवत की, वो हम लोग डीएक्सएन में जो प्रोडक्ट है इसकी काश्त, इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन फैक्ट्री में और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सारी की सारी जो है ना डीएक्सएन करती। बहुत सारी कंपनियां मैं जानता हूं दुनिया में जो ये तीनों फेजेस से नहीं गुजरती, और खासकर जो पहला फेज है ना जो फार्मिंग या कल्टीवेशन, ये तो डेफिनेटली जो है ना बहुत सारी कंपनी जो है ना कहीं और से प्रोडक्ट लेती है, रॉ प्रोडक्ट रॉ मटेरियल, उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो है ना ये डीएक्सएन की राइट फ्रॉम द बिगिनिंग शुरू से जो है ना सारी की सारी जो जितनी हमारी प्रोडक्ट है ना वो हमारे फार्म जो 60 acres में है, और मजीद अभी हमने एक्वायर किया है चाइना में, वो सारे के सारे 100% हमारी फैक्ट्री में काश्त होती हैं और साथ जो है ना मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, फार्म वगैरह सब कुछ है। वन वर्ल्ड वन मार्केट का जो नजरिया है, बिलियन डॉलर की कंपनियां हैं, अभी हम लोग 24वां जो है ना लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। हमारे आज मैं शाम को देख रहा था हमारे ऊपर कौन कौन सी कंपनियां हैं, और बहुत सारी जो कंपनियां हमसे ऊपर हैं, मतलब हमसे ज्यादा उनकी रेवेन्यू जनरेट हो रही है, उनके अंदर ये चीज नहीं है वन वर्ल्ड वन मार्केट का कॉन्सेप्ट। अगर है भी, अगर कोई अमेरिका में बैठा हुआ है और अगर वो पाकिस्तान में मेंबरशिप लेता है और पाकिस्तान में अगर उनका दफ्तर है तो आपको वहां की मेंबरशिप देनी होगी, और सालाना रिन्यूअल होता है। तो आप इतने बड़े जो है ना ये चीज आपके पास जो एडवांटेज है कि आप पाकिस्तान से बैठकर या दुबई से बैठकर या जहां भी आप बैठे हुए हैं पूरी दुनिया में आप जो है अपना बिजनेस को फैला सकते हैं विदाउट अ सिंगल डॉलर, एक डॉलर देने की भी जरूरत नहीं। आप एक किसी और को मेंबर बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो साहब जाते हैं और जाकर अपना प्रोडक्ट लेते हैं। इमेजिन करें एक जगह बैठकर पूरे पाकिस्तान में आप कर सकते हैं, आप पहाड़ में बैठकर रहो या बड़े शहर में रहो। तो ये सारी बहुत जो है ना बहुत बड़ा एडवांटेज है आप लोगों के पास डीएक्सएन में, ये जो तीन फलसफा है। अच्छा मिशन जो है तीन जो डिफरेंट जो लेवल के जो लोग हैं डिस्ट्रीब्यूटर, अब डिस्ट्रीब्यूटर में वो मेंबर भी हो सकता है, स्टार एजेंट भी है, डायमंड भी, जो क्राउन डायमंड क्राउन एम्बेसडर सारों को हम जो लव्स है, जो एक इंटरनेशनल जो डेफिनेशन है ना, जो लोग मेंबर बनते हैं उनका आईडी कहते हैं दे आर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर या इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर IBO। तो डिस्ट्रीब्यूटर एक लेवल का बंदा है या बंदी है जो बिजनेस लेकर आती है डीएक्सएल के लिए। दूसरा जो है यही डिस्ट्रीब्यूटर बनता है सर्विस सेंटर डायरेक्टर या ओनर, वो अब जो है ना सर्विस प्रोवाइड करता है डिफरेंट जगहों में। मिसाल के तौर पे हमारा हेडक्वार्टर कहाँ है, कराची में पाकिस्तान का, उनका एक ऑफिस बनाया है लाहौर, लेकिन जितने भी पूरे पाकिस्तान में हमारे जो दफ्तर हैं वो सर्विस सेंटर के तहत चल रहे हैं। इसी तरह गल्फ में, मैं सिर्फ यूएई को लेता हूं, हमारा हेडक्वार्टर जो है वो दुबई में है, लेकिन जितने जो शहर हैं हमारे यूएई में, अलेन, शारजा, अबू धाबी, रासो खेमा, अजमान, फुजैरा, हर जगह हमारा दफ्तर है, सारे जो है ना बड़े बड़े जो शहर हैं। तो सर्विस सेंटर जो है वो दूसरा लेवल का है, और ऑफ कोर्स हाँ वो मलेशिया की मैनेजमेंट हो या वो आपके मुल्क की मैनेजमेंट हो या आपके शहर की मैनेजमेंट हो, ये तीनों का तीनों जो है ये एक दूसरे के साथ जो है ना मिला हुआ है। अगर कोई कहे कि जो है ना मैं डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं खुद जो है ना सारा काम करना चाहता हूं या चाहती हूं, नहीं हो सकता। आप अगर रावलपिंडी में बैठे हैं तो आपको जो है ना सर्विस सेंटर का हेल्प चाहिए, आपको हेडक्वार्टर
कराची में उसका हेल्प चाहिए और इसी तरह आपको मलेशिया का भी हेल्प चाहिए। तो द मिशन जो है वो तीनों को जो है ना हम एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं। ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल, मतलब आपने 100 पीवी से ज्वाइन किया जब आपको जो है ना कुछ पैसे मिलने शुरू हुए, लेकिन आपकी जो है ना ड्रीम जो ख्वाब है वो आपकी बड़ी है। अब वो ख्वाब को जो है आपने फुलफिल करना है, आपने वो ख्वाब को जो है ना पाना है, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी और मेहनत के साथ जो सबमिशन है ना, सबमिशन का मतलब यह है कि आपने सर नीचे करके सबमिट करना है कि हाँ ये जो फिलॉसफी है और ये जो विजन है, ये जो मिशन है, इस पे हमने चलना है। हम अपना जो है ना कोई चीज नहीं कर सकते, वो इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि वो अलाइनमेंट सही नहीं होगी हमारी। अब बाज लोग जो है ना डायमंड बनते हैं या डबल डायमंड बनते हैं या क्राउन डायमंड बनते हैं पोजीशन को बाय करके। कैसे पोजीशन बाय करते हैं? नीचे जो है डायमंड बनने के लिए 6 स्टार एजेंट चाहिए। अब 6 स्टार एजेंट जो है ना आप उसके लिए प्रोडक्ट खरीद रहे हो या उसके नीचे लोग डाल रहे हो, इससे बिजनेस नहीं होगा। और आपने 27,000 पीवी कर लिया मिसाल के तौर पर, 4,500 मल्टीप्लाई बाई 6, 27,000 होता है और आप डायमंड हो गए, इससे जो है ना बात नहीं बनेगी। तो ये जो आपने कामयाब अगर होना है ना, तो आपने अपने नीचे जो है जो लोग आपके आ रहे हैं, मेंबर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके साथ जुड़कर उनके साथ आगे बढ़ना है और बहुत टाइम देना है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपने प्रोफेशनल बनना है। जो आपकी तालीम है, जो आपकी पोजीशन है, जो आपकी उम्र है, जो भी है, उसको आप भूल जाए। अब आप जो है ना नई जो है ना तालीम से लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, और आपने प्रोफेशनल बनना है तभी आप कामयाब होंगे। जीरो गियरिंग प्रैक्टिस करें। जीरो गियरिंग का मतलब क्या है? जो आपने कमाया उससे ज्यादा ना खर्च करें। ये तो जिंदगी का उसूल है, वो जो हम कहते हैं ना कि जितना चादर है उतना ही पांव फैला है। लेकिन अभी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या हो गया है कि हम कमा रहे हैं 50,000, हमारा जो खर्चा जो है ना। दूसरी जो जीरो गियरिंग है, जो कामयाब होना है ना, आप कर्जदार हो, किसी को कर्जा दें या कर्ज किसी से कर्जा लें, तो नेगेटिव स्टॉक ये खामखा का आप जो है ना प्रोडक्ट लिए जा रहे हो, तो वो जो है प्रोडक्ट आप लेकर क्या करेंगे? अब जो सॉलिड प्रोफाइल और हाई इनकम का जो है ना, ये किफायतशारी से चलना है। पैसा ऐसे फालतू फालतू फेंकना नहीं है, वक्त नहीं जाया करना है। अगर ये तीन चीज करेंगे, प्रोफेशनल बनेंगे, टाइम लगाएंगे, मेहनत करेंगे, तो आपका बोनस ऑटोमेटिकली जो आपने टारगेट रखा है, चलो 3 साल में या 4 साल में मैंने 1 लाख कमाना है या आपने 5 लाख कमाना है, वो मिलेगा आपको। और ऑफ कोर्स पॉजिटिव माइंडसेट की हम सिर्फ बातें करते हैं, जो हमारी जो सोच है ना वो सबसे पहले चीज हमें वहां पर तब्दीली लानी होगी। चेंज जो है आप किसी से तवक्का नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर जो है ना वो तब्दीली आनी चाहिए। तो आपका गोल होना चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल मार्केट लीडर बने। आप खुद कंपटीशन करना है ना, किसी के साथ ना करें, आप अपने साथ कंपटीशन करें। आज मैं ये हूं, कल मैं ये होऊंगा और परसों मैं यहां तक पहुंचूंगा। अगर आपने नंबर वन बनना है तो किसी को देखकर जो है ना प्रॉब्लम क्या होता है पता है, कि हमारे अंदर वो हसद या जलन या बैकस्टैबिंग, ये सारी चीजें हो जाती हैं जब आप किसी और के साथ कंपटीशन करते हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप
अपने को देखें और कल से आज और आज से जो आने वाला कल है ना, उससे उसमें आप बेहतर होने की कोशिश करें। डीएक्सएल में कोई लिमिट नहीं है कि आप जो है ना बस डायमंड में अटके हैं तो आगे नहीं जा सकते हैं, या 50,000 कमा रहे हैं तो आगे नहीं जा सकते हैं, आपके ऊपर है। और प्रॉब्लम्स तो होंगे जी। देखिए जितने भी कामयाब जो लोग हैं ना, वो कामयाब ऐसे नहीं हो गए, उन्होंने दुश्वारियां देखी हैं, चैलेंजेस देखी हैं, और उन्होंने चैलेंजेस के अंदर से जो है ना सोल्यूशन निकाला। और जब वो कहते हैं ना, वो ईंधन से जब निकल कर कोई बाहर आता है ना, तो वो एकदम फौलाद होता है। कोई भी आदमी या औरत जो है ना, वो कामयाब नहीं हुई है विदाउट गोइंग थ्रू द चैलेंजेस, ये हर्डल्स है। चैलेंज को जो है ये समझे कि ये मेरा कुछ सीखने वाला टाइम अब आ गया है, ये अपॉर्चुनिटी का टाइम आया है, और जब आप उससे गुजरेंगे तो आपको रिटर्न जो है ना बहुत हाई मिलेगा। अब ये डॉक्टर लिम जो है ना, 2003 में जब मेरी मुलाकात हुई थी सबसे पहले, उन्होंने ये आम की स्टोरी बताई, द मैंगो स्टोरी, आप लोगों ने कुछ लोगों ने सुना होगा। लेकिन जब भी मैं ये मैंगो थ्योरी के बारे में बात करता हूं ना, तो ये हमारा जो है ना ये बिजनेस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अगर आप टॉप लेफ्ट में देखिए, ये जब जब आम का सीजन हो आता है ना, तो उसमें फूल बहुत सारे होते हैं, हजारों में फूल होते हैं, या लाखों में होते हैं, हजारों में लाखों में होते होंगे। अब ये सारी जो फूल है ना, ये एक सीजन में आंधी भी आती है, बारिश भी होती है, बिजली भी चमकती है, सब कुछ होता है। तो ये इस आम के दरख्त में जो फूल है, बहुत सारे फूल गिर जाते हैं। जो किसान होता है, ये आम के दरख्त का जो मालिक है, वो दिल बर्दाश्त नहीं होता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो फूल गिर रहे हैं, वो उस पे फोकस करता है जो फूल रह गए, और वो फूल जो है ना अल्टीमेटली वो आम में तब्दील होता है। अब ये रियल लाइफ की स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं, द मैंगो स्टोरी या मैंगो थ्योरी जो है रियल लाइफ की है। इसी तरह आपकी टीम में 1,000 लोग हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं, 10 लाख हो सकते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनके 2-2, 3-3 मिलियन लोग हैं। अब क्या आप समझते हैं कि अगर आपके 10,000 लोग हैं, 10,000 के और 10,000 के 10,000 काम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो क्या करना है आपने, वो जो लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो कमिटेड हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है उन्होंने, आपने उनके साथ चलना है। जो चले जाता है, खा वो कंज्यूमर हो, खा वो मेंबर हो, खा वो स्टार एजेंट हो या डायमंड हो। अभी भी मैं पिछले दिन जगह सारे रो रहे थे, वो डायमंड चले जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उनको जाने दें। ये जो फूल है ना, वो गिरने वाला फूल है, वो आम नहीं है। और पाकिस्तान जो है वो जो जबरदस्त आम पैदा करता है, आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो ये स्टोरी जो है ना अब आपने अपना लेना है और लोगों को बताना है। अगर लोग जा रहे हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं। आप ये जो सीजन है आम का, इसमें आपने मे भी 50,000 आम या पता नहीं 1.5 लाख आम आपने जो है ना इस दरख्त से निकाला है, या जो भी दरख्त से निकाला, आपका एक और सीजन आएगा, दूसरा तीसरा सीजन आएगा। तो अब जो सिस्टम है, सिस्टम में अगर आप मास्टरी करें तो आपकी कामयाबी जो है ना होनी है। और सिस्टम जो है दो चीजों पे जो है ना मुनहसर है, डिपेंड करता है दो चीजों में। नंबर वन, तालीम। जितनी भी आप तालीम लें, वो डीएक्शन के प्रोडक्ट है, मार्केटिंग प्लान है, या डीएक्शन का कल्चर जो मैं आपको भी आज सिखा रहा हूं या बता रहा हूं, या नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए हमारी जो है ना डायरेक्ट सेलिंग का जो
या नेटवर्क मार्केटिंग का स्किल है ना, ये आपने सीखना है, पर इसमें टाइम लगेगा। और अपने बारे में सीखना है कि आपके अंदर जो ताकत है उसको इस्तेमाल करना है, जो कमजोरी है उसको बेहतर करना है। और ऑफ कोर्स हैबिट, जो आपके जो आदत है। देखिए, हम नेगेटिविटी तो होती है लाइफ में लोगों के अंदर, अब आपने उससे निकलना है। ये जब पहले मतलब उन्होंने जब सुना था ना कि डीएक्सएन एक गोल्ड माइन है, सोने का कान है ये, लेकिन उस सोने तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी होगी और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा मिलेगा। तो अब जो चार जो पिलर्स है हमारे, जो सुतून है डीएक्सएन के, वो है कंपनी की स्टेबिलिटी, प्रूवन है, 25 साल होने लगा है अल्हम्दुलिल्लाह, 180 ममालिक में है, 70 ममालिक में हमारा दफ्तर है, बिलियन डॉलर की कंपनी है, 6.5 मिलियन। ये जो है ये डिपेंड कर रहा है किस चीज में, प्रोडक्ट की सुपीरियरिटी पे। हमारा जो मार्केटिंग प्लान है, जो लोगों को पैसा दे रहे हैं, और ग्लोबल नेटवर्क। अब हम जो है डीएक्सएन का जो बिजनेस है, अगर हम इसको पार्ट टाइम करें या फुल टाइम करें, दोनों में आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन आपने अल्टीमेटली डीएक्सएन को अपना लिया तो आपने डीएक्सएन जो है ना, ना पार्ट टाइम करना या ना फुल टाइम, ऑल द टाइम करना। ऑल द टाइम क्या मतलब, कि आप जितना टाइम लगा रहे हो वो 100% डीएक्सएन के अंदर होना चाहिए। ये जो ना ये भी आप काम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हो, बहुत सारे लोग एक एक नहीं दो दो जो है ना बिजनेस में लगे हुए हैं, पॉसिबल नहीं है कामयाबी हासिल करना। इसमें इन्होंने कहा जो 30 साल का जो जॉब में आप जो हासिल करते हो वो आप 3 साल के अंदर भी कर सकते हो, आप रिटायर हो सकते हो यंग, रिटायर हो सकते हो हेल्दी और वेल्दी, यंग वेल्दी एंड हेल्दी। ये हर एक की जो है ना ये ख्वाब है। मैं जब यंग लोगों को देखता हूं ना, कोई 20 साल या 25 साल का कोई यूथ आता है, और हमारे 63% पाकिस्तानी यूथ से भरा हुआ है, और उनके पास जॉब नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। अब आप उन तक पहुंचे और उनको बताएं कि देखो भाई, आपने 5 साल लगाना है, 3 से 5 साल, और ये आपको वो पैसा देगा जो आप जो है ना सोच नहीं सकते, जो आपको 30 साल में भी मिले। मैराथन रनर जो है आपको बनना है, अगर फिजिकली बन सकते तो नथिंग लाइक इट, तो आपको पता लगेगा कि जो है ना लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग जो होती है, 40-42 किलोमीटर को जो रन होता है, एक लॉन्ग रन होता है। तो आप अपने को तस्वीर करें, मैं मैराथन रनर हूं, इतना भागना है मैंने, दौड़ना है। तो आप जब भागते हैं ना, तो आप जो है ना जो सीनरी से गुजर रहे हैं, 40 किलोमीटर का सेम सीनरी, उसको आप एंजॉय करें। तो आदमी जब मैराथन रनर होता है ना, तो वो एट द मोमेंट वो भाग रहा हो और एंजॉय कर रहा है, और वो डेस्टिनेशन में तो जाना है, लेकिन वो डिस्टेंस से वो जो है ना घबराता नहीं, और ये इंजॉय करते करते अपने मंजिल मकसूद जो फिनिश लाइन में उधर पहुंचता है। तो डीएक्सएन में जो हमारा जो जो सफर है ना, ये कोई एक एक सॉलिड डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है, ये हम सफर में हैं। और उस सफर में आप अपने को तो आपने हेल्प किया ही किया, लेकिन उस सफर में आप कितने लोगों को हेल्प कर रहे हैं, मतलब कुछ 10-20 नहीं, हजारों में और लाखों में लोग आपकी वजह से लोग जो है ना उससे फायदा ले रहे हैं, बोथ
हेल्थ के वजह से और पैसे के वजह से। अगर आप यकीन करते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। ये किताब भी है, यू कैन। तो अगर अगर आप कर सकते हैं तो आपने अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा। कंफर्ट जोन क्या है? बस जहां पर हैं बस उसमें ही आप मुतमईन बैठे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी जो लोग हैं ना ज्यादातर वो कंफर्ट जोन में हैं, बट दे आर इन अ वेरी अनकंफर्टेबल जोन। कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं लेकिन हैं उस कंफर्टेबल जोन में नहीं है, सेहत के लिहाज से, पैसे के लिहाज से। तो अगर आपने बेस्ट बनना है ना, सबसे अच्छा टॉप क्लास, तो आपने जो है ना गुड पे या बेटर पे आपने जो है ना मुतमईन नहीं होना, बेस्ट का होना है तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी कोई आर्टिफिशियल बाउंड्रीज नहीं है। मैं आपको बताऊंगा आर्टिफिशियल बाउंड्रीज क्या होता है। वंस अगेन आप अपने जो पैसा कमा रहे हैं उनमें से 20-25% उसको बचाओ। सीखना कभी भी बंद ना करें। और टाइम और पैसा अपनी तालीम में देना है। अब जो मैं देख रहा हूं कि जैसे ही कोई स्पीकर आता है, ट्रेनर आता है, यहां पर मैं बताऊं दुबई में यहां पर डायरेक्ट सेलिंग की भी ट्रेनिंग होती है और यहां पर्सनल डेवलपमेंट की भी ट्रेनिंग होती है। और मैं भी जब पाकिस्तान गया उसके पहले मैं देख रहा था कि कौन कौन पर्सनल डेवलपमेंट में जो लोग जो टॉप के हैं पाकिस्तान में, एक नहीं दो नहीं बहुत सारे टॉप के पर्सनल डेवलपमेंट के जो है ना गुरुज बैठे हुए। आप इन्वेस्ट करें, उनके सेमिनार्स में जाएं, उनके वर्कशॉप में जाएं और सीखें। आपको पैसा जो है ना की तालीम के लिए देना होगा। मतलब कोई भी एक डॉक्टर या इंजीनियर या लॉयर बनता है वो फ्री का तो नहीं बनता है ना, और उसके बाद वो कितना कमाता है? 2-3 लाख कमाता है। आप 2-3 लाख कमाना चाहते हैं लेकिन मुफ्त कमाना चाहते हैं, बगैर पैसा, तालीम बगैर, तालीम में एक पैसा नहीं डालना, ये जो है ना सोच सही नहीं है। तो आपके जो जो कोई ऐसी आदत है आपको पता है, और शादीशुदा जो लोग हैं ना वो अपनी बीवी या अपने खावन से पूछें, और अगर अगर आप बच्चे के साथ आप बहुत फ्रैंक है तो बच्चों से पूछें कि बेटा ये बताओ कि मेरे अंदर क्या खामी है। उसके बाद आपको मानना ना शुरू कर दें कि आपका बाबा ये आप करते हैं और वो करते हैं। आप सुने बच्चों की जो ऑब्जर्वेशन होती है ना वो बहुत ही जबरदस्त होती है। दोस्त बनकर देखिए अपने बच्चों के साथ, आप देखेंगे आप कितना सीखेंगे उनसे। तो आम ये जो है ना ऑब्जेक्शन आता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है डीएक्शन करने के। आप उनको छोड़ दें, उनको उन्हें वक्त जाया करने की कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों के साथ जिनके पास ना टाइम है ना जिनके पास पैसे हैं। अगर आपने सोच लिया कि मैंने कामयाब होना है तो आप कामयाब होंगे, और आप उस मंजिल मकसूद या उस जो ड्रीम की तरफ आप जाएंगे डेफिनेटली, प्रोवाइडेड आपको जो है ना अनकंफर्टेबल जोन में घुसना होगा, कंफर्ट जोन में नहीं। अगर आप सोच रहे कि मैं 4-5 घंटा काम करके जो है ना मैं जो है ना हाईली सक्सेसफुल हो जाऊंगा और क्राउन डायमंड बन जाऊंगा या क्राउन एम्बेसडर बन जाऊंगा, मुश्किल है। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, ये इंग्लिश का बहुत ही जबरदस्त मुहावरा है। अगर ये जो फाल्कन है या ओकाब है जो जो बड़े बुलंदी में ये फ्लाई करता है, व्हाट्सएप में बड़े लोग आजकल डाल रहे हैं ईगल की स्टोरी, ईगल जो है ना वो 70 साल जीता है और ये है और वो है। ईगल जो है वो नीचे आकर मुर्गियों के और छोटे छोटे जो चिड़िया उनके साथ वो जो है ना फ्लाई नहीं करता, वो फ्लाई करता है अपने उस लेवल के जो है ना फाल्कन और ईगल्स और वो सारे उनके साथ फ्लाई करता है, उड़ता है।
इसी तरह अगर आपने कामयाब होना है तो आप कामयाब लोगों के साथ आपने उठना बैठना है। और ये वो कामयाब लोग जरूरी नहीं है सिर्फ डीएक्सएन में हो, डीएक्सएन के बाहर भी हैं। जिस तरह मैंने कहा ना कि आप जब जाएंगे ऐसे सेमिनार्स में जिसमें आप लाख दो लाख रुपया कर देते हैं मिसाल के तौर पे, अगर लाख दो लाख भी नहीं देते हैं चलो 10-20 हजार देते हैं आप, तो वो जो सर्कल है उससे आपका नेटवर्क बढ़ता है। तो एक अगर नेगेटिव आदमी के साथ अगर आप बैठे उठना बैठना हो रहा है तो आपका जो है ना सोचना वैसी होगा, और एक अगर पॉजिटिव आदमी और एक कामयाब आदमी के साथ अगर आपने उठना बैठना किया तो आपका जो जो सर्कल है ना वो जरा नहीं काफी उसमें तब्दीली लानी पड़ेगी, बहुत कामयाब होने के लिए। तो आर्टिफिशियल जो बाउंड्रीज हैं जो रियल नहीं है, आर्टिफिशियल है, हम कहते हैं ओ मैं तो बहुत बूढ़ा हूं, मैं तो 50 साल का हूं, या मैं बहुत यंग हूं, मैं तो 20 साल का हूं, मैं कैसे कर सकता हूं, लोग मुझे यकीन ही नहीं करेंगे जब मैं जाके लोगों को बताऊंगी इस बिजनेस के बारे में, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, मेरा तो जो ना बाप दादा जो है ना वो किसान था और मैं किसान हूं, या मैं मजदूर हूं। तो ये सारी जो है ना आप अपने को एक डाउनग्रेड कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हर एक के अंदर वो सलाहियत वो खूबी डाली है कि वो किसी लेवल में भी जा सकता है। अब जब हम ज्वाइन कर लेते हैं वो कहते हैं ओ मैं तो ट्रेनर नहीं हो सकता हूँ, मैं स्पीकर नहीं बन सकता हूँ, ये तो मेरी बस की बात नहीं, लीडर हो लीडर तो मैं नहीं हो सकता, प्रोफेशनल भी नहीं हो सकता और मैं नेटवर्कर भी नहीं बन सकता। अब आपने एक हद डाल दिया है अपने जहन के अंदर। अब दूसरी जो चीज है जो पर्सनालिटी की है वो है हमारी अना, ईगो, और इसमें तो एक नहीं कितनी सारी हदीस आ गई है कि जर्रा बराबर भी किसी के अंदर अगर अना है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता कि मेरी इतनी तालीम है कि मैं इस खानदान से हूं, या मैं इतना पैसा वाला हूं, या इतना पावर है, या इतना मेरा फेम है, मैं कैसे लोगों से नीचे लोगों से जाके बात कर सकता हूं, या मेरी नौकरी है मैं नौकरी करते हुए कैसे कर सकता हूं, मैं तो सीख नहीं सकता हूं, मैं डुप्लीकेट नहीं कर सकता। तो आपने जो टाइम लगाना है ना बार बार देखिए उस एजुकेशन में आ रहा है, रियल लाइफ एजुकेशन, का आपके शहर में हो रहा है या शहर से बाहर हो रहा है। दुबई में मुसलसल जो है ना हम लोगों को बुलाते हैं वो डीएक्सएन के अंदर से भी और डीएक्सएन के बाहर से भी। तो आपने अपनी तालीम को रोकनी नहीं है और एक जो ना लर्निंग हैबिट आपने बनाना है, जो आप कर सकते हैं अपनी तरफ से 100% डालो, 100%, 99% नहीं चलेगा। जहाज में अगर आप बैठे हो, जहाज जब टेक ऑफ करता है ना वो 100% पावर उसको चाहिए, 99% पावर अगर दे दिया ना जहाज नहीं टेक ऑफ करेगा। तो अगर आपने कामयाब होना है डीएक्सएन में आपने 100% डालना है, बाकी डीएक्सएन का काम है आपको सेहत देना, पैसा देना, शोहरत देना, दुनिया घुमाना, जो आप चाहते हैं वो आपको दिया।